नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन रतिराम माली में। मैं रतिराम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश नए वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे कंप्यूटर के बढ़ते हुए उपयोग और इससे जुड़ी जानकारी और किस तरीके से हम अपना जीवन कंप्यूटर के माध्यम से सुगम बनाएं और एक विद्यार्थी के जीवन में इसका किस तरीके से उपयोग हम पार्ट टाइम जॉब के रूप में या फुल टाइम जॉब के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले तो बात करूँ ऐसे विद्यार्थी जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट जिन लोगों ने किया हुआ है और वो अपनी पढ़ाई आगे रखना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति बस या किसी और कारण उन्हें पार्ट टाइम जॉब की भी तलाश है, तो कंप्यूटर कार्य यानी कि ऑपरेटिंग वर्क ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि आप जिस भी एरिया में, जिस भी लोकेलिटी में, जिस भी जगह आप रहते हैं, एक तो ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा पहली बात, दूसरा इसको सीखने में आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला, फिर दूसरा इसमें पार्ट टाइम जॉब खूब भरे पड़े हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग लाइन में, तो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अलग अलग तरीके से आप जितना चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से उतना काम कर सकते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार आप पैसा कमा सकते हैं। हालांकि ये बात भी मैं मानूंगा कि आज के इस दौर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और बेरोजगारी ज्यादा होने के कारण ही हम लोगों को हमारे आम जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इसी के कारण स्टूडेंट्स जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या आर्थिक वर्ग से जिनका पिछड़े हुए हैं, वो अपने जीवन को चलाने में थोड़ा सा असमर्थ है। हालांकि सभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए तो मैं इस कंप्यूटर लाइन को सबसे अच्छा मानता हूं जो अपनी पढ़ाई भी आगे रखना चाहते हैं और ऑपरेटिंग लाइन भी सीखना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से और किन क्षेत्रों में हम कंप्यूटर सीखने के बाद अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं या काम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप कंप्यूटर सीख लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या सीखना है, जैसे कि आप कंप्यूटर में सीख लेते हैं एमएस ऑफिस आपने सीख लिया, पेज मेकर सीख लिया, ऑनलाइन वर्क करना आप सीख गए, आप थोड़ा सा फोटोशॉप कोरल ड्रॉ ना भी सीखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर सीखना चाहते हैं तो वो आपने सीख लिया और कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी जो एक काम करने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए, जैसे कि टाइपिंग है, हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग, किस तरीके से किस सॉफ्टवेयर पर कवर करना या इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ऑनलाइन वेबसाइट्स को चलाना, स्कूल में जैसे कि अलग अलग तरीके के काम होते हैं, बोर्ड्स के फॉर्म फिल करना, आरटी के अधिकतर काम हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के डाटा को मेंटेन करना, अगर आप ये 2-4-5 चीजें अगर ठीक ठीक स्थिति में सीख लेते हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको 5 से 7 या 8-10 हजार रुपए की 5 से 6 घंटे की आराम से जॉब जिस भी एरिया में आप रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उस जगह आपको मिल जाएगी। जरूरी नहीं है ये वर्क आपको स्कूल के अंदर ही मिले, किसी ऐसी फर्म के अंदर जहाँ पे डाटा मेंटेनेंस से संबंधित कोई काम होता हो, किसी ऐसी जगह जहाँ कंप्यूटर पर ऑनलाइन किसी प्रकार का वर्क किया जाता हो, वहां आप अपनी 5 घंटे सेवाएं दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख पाएंगे और अपने आप को आगे भी बढ़ा पाएंगे और पैसे की भी आपको दिक्कत नहीं होगी। घर वालों से आप बार बार पैसे मांगते हैं तो आज के समय में हर व्यक्ति के लिए आर्थिक स्थिति से उबर पाना ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं ये सजेशन आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने भी ही अपना ऑपरेटिंग वर्क एज ए पार्ट टाइम ही स्टार्ट किया था और अभी भी मैं एज ए पार्ट टाइम ही करता हूं, बाकी समय अपनी पढ़ाई करता हूं और बाकी का तो आप जानते ही, मैं आप लोगों के लिए अब वीडियो भी बनाने लगा हूं, तो इस तरीके से मेरा अपना काम चल जाता है। तो ये वीडियो मुख्यतः उन लोगों के लिए ही है जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, 3-4 घंटे का वर्क कहां से ढूंढूं, कैसे पैसे कमाऊं, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूं, तो उन लोगों के लिए डेडिकेट होकर आज मैंने ये वीडियो बनाया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप एक बार जब कंप्यूटर सीख जाएंगे तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा मुझे किस तरीके से क्या करना है और किस तरीके से मुझे काम मिलेगा। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप एमएस ऑफिस सीख जाते हैं पूरा बिल्कुल परफेक्ट, तो आप किसी भी आरएससीईआरटी कोटिंग में चले जाइए पढ़ाने के लिए। आप भी इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से, मैं भी जानता हूं कि आरएससीआईटी कोचिंगों में पढ़ाने वाले लगभग लगभग सभी शिक्षक पूर्णतः परफेक्ट नहीं होते हैं। मैं हालांकि किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जैसे कि वो इस तरीके से होते हैं जैसे या तो उनको केवल एमएस ऑफिस ही आता है और वो केवल एमएस ऑफिस पढ़ाने के लिए आते हैं, टैली वाला टीचर है वो सिर्फ टैली पढ़ाने के लिए आता है, बाकी का सॉफ्टवेयर जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है वो पढ़ने के लिए ही आता है। फिर आप वहां 3-4 घंटे पढ़ा सकते हैं, हो सकता है 2 से 4-5 हजार रुपए आपको वहां से मिलता है। अगर आप वहां भी नहीं करना चाहते, अगर आप कोरल ड्रॉ तक सीख जाते हैं, पेज मेकर सीख जाते हैं,
और टाइपिंग आपको ठीक ठाक आती है तो आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पे अपना काम कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस पे आप 3-4-5 घंटे देंगे और बाकी के टाइम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आप किसी कोचिंग के नोट्स बनाने का टाइपिंग का काम ले सकते हैं घर पे ही, आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो भी कोचिंग्स हैं, आप जिन भी कोचिंग्स में पढ़ते हैं, आप खुद वहां चले जाइए, उन लोगों से बात कीजिए कि मैं आपके नोट्स बना दूंगा और आपकी कोचिंग का जो भी बाकी का काम है कंप्यूटर से संबंधित वो मैं कर दूंगा, आप लोग मेरी फीस फ्री कर दीजिए और 2-3-4 हजार रुपए आप जितना भी टाइम उनको देते हैं उस हिसाब से उनसे पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका काम भी चल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से आपको कहां पे काम मिलेगा। अब अगर हम बात करें आगे कि आपको काम तो मिलेगा ही, लेकिन आप ये काम कितने दिन में सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और कहां सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात केवल अगर सीखने की है तो आदमी के अंदर सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है। आज YouTube पर हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों ऐसे वीडियोस हैं जो कंप्यूटर बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आपको टॉप लेवल तक का कंप्यूटर YouTube पे आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। और आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि मैं भी गूगल और कंप्यूटर और बाकी का अपने द्वारा कोशिश करके ही बाकी का जितना भी कंप्यूटर मुझे आता है पिछले 5 साल के मेरे एक्सपीरियंस में, 5 साल से मैं लगभग ऑपरेटिंग और कंप्यूटर टीचिंग दोनों कर रहा हूं, मैंने टोटल आज तक जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो या तो ऑनलाइन प्राप्त किया है या फिर किताबों से प्राप्त किया है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे चैनल के द्वारा ही पढ़िए। आपको जहां भी अच्छा लगे, जिन भी व्यक्ति का, जिस भी अध्यापक का आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आप उस अध्यापक से पढ़िए, उनके द्वारा पढ़िए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और काम में लग जाइए। जब जब आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका चित्त भी एक जगह एकदम स्थिर हो जाएगा और आपको ऐसा लगने लगेगा यार हाँ मेरा निर्णय सही था। मैं ये नहीं कहता कि आप फुल टाइम ऑपरेटर बनिए, जरूरी नहीं है, ये आपका शौक हो ना हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको कंप्यूटर लाइन में शौक भी है तो वैसे भी जाना चाहेंगे तो आप वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को केवल एज इसे अपना खर्चा चलाने के लिए काम में लेना है तो इससे बेहतर लाइन मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो सकती। और अभी भी यदि आपको लगता है कि और किस तरीके से हम कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। अगर आपको और कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर है 8875676537। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कोरोना वायरस भारत में बहुत तेजी से बढ़ती हुई समस्या है। सरकार ने हमारे लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, हमें घर पे रुकने के निर्देश दिए हैं, जिन जिन राज्यों में लॉकडाउन है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सरकार के नियमों का पालन करें, जो भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जानकारी आपको दी जा रही है उनका पालन करें, घर पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, हाथों को धोते रहें। यदि कोई भी संदिग्ध मरीज आपको अपने आसपास ऐसा दिखाई देता है जो या तो बाहर से आया हुआ है और कहीं से आया हुआ है, तो आप उसे या तो हॉस्पिटल जाने के लिए कहे या फिर उसकी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर पर भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, देशभक्ति में अपना परिचय दें, और जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर ही देशभक्ति करें। ऐसी इन परिस्थितियों में घर पे रहना और अपने आप को जागरूक रखना, अपने क्षेत्र को जागरूक रखना ही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। तो एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है, ये वीडियो अगर मेरा आप लोगों को पसंद आया और आपके लिए कोई जानकारी इसमें आपको लगी कि कुछ अच्छी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें अपने विचार जरूर अवश्य पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।